नबी अब्बास की रहमतुल्लाह अलैह शहीद हुए, हाजी अली पिटू रहमतुल्लाह अलैह शहीद हुए, हाजी हाफिज तकी रहमतुल्लाह अलैह शहीद हुए, मौलाना मुख्तार कादरी मुफ्ती मुख्तार कादरी दारुल नजिया के वो शहीद हुए, फरीद रजैन कादरी फरीद रजैन कादरी साहब शहीद हुए, जाकिर हुसैन शहीद हुए, एटीए के तीरज शाह शहीद हुए। अभी जब सुन्नी तहरीक की पूरी कयादत शहीद हो गई, इंतजामिया के लोगों, हसास इदारों के लोगों, वो रिकॉर्ड उठाकर देखो, उस रिकॉर्ड पर देखो कि पाकिस्तान का कोई भी ऐसा जनाजा, चाहे वो कितनी बड़ी शख्सियत हो, पाकिस्तान का रिकॉर्ड जनाजा जिसमें लोगों ने सबसे ज्यादा शिरकत की, वो कायदे सुनी तहरीक मोहम्मद सलीम काजी रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा था 2001 में। अगर वो सुन्नी तहरीक के किसी चौदह का वो सबसे बड़ा जनाजा था, और अगर सुन्नी तहरीक का रिकॉर्ड अगर किसी ने तोड़ा है तो वो भी सुन्नी तहरीक ने ही तोड़ा। वो रिकॉर्ड उठाकर देख लो, उस जनाजे की तादाद तुम अपने रिकॉर्ड में देख लो कि जब अब्बास कादरी रहमतुल्लाह अलैह और उनके रुकनदार का जनाजा उठाया गया तो वो भी पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा हो गया। अरे हम पर जो कयामत टूटी थी, हमें हमारे सरों से साया उठाया था, उन दहशत गर्दों ने यह सोचा कि शायद इनकी पूरी कयादत को शहीद करने के बाद सुन्नी तहरीक खत्म हो जाएगी। सुन्नी तहरीक खत्म होने का नाम नहीं है, हम आपको नजरिया भी बनाना चाहते हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि सुन्नी तहरीक के कायद से जो असर को बलबला अहले सुन्नत के लोगों में दिया कि जो जो लोग हमारे अपने लोग हमारे अपने उलमा हमारी अपनी तंजीमों के लोग उस पर मजाक उड़ाया करते थे कि सुन्नी तहरीक एक छोटी सी तंजीम है, सुन्नी तहरीक एक पानी का बुलबुला है, सुन्नी तहरीक एक जज्बाती फैसला है, तो जज्बाती फैसला रहता आज आज उन उलमा इकराम को जिन पर लोग कान भरते थे कि सुन्नी तहरीक कुछ नहीं कर सकती, आज हम उन उलमा इकराम में उन उलमा इकराम में आज वो कदम पैदा कर चुके हैं। आज वो कदम मेरे और आपके काम करने से नहीं हुई, वो कदम तो हमारे लोग जो जिन्होंने जाने का आदत दोष किया, कारकुनों ने जिम्मेदारों ने कायदीन ने वो कारकुनान ने जो जाने शहादत दोष किया और अहले सुन्नत के लिए जो उन्होंने कुर्बानियां दी, आज उलमा इकराम में आज फखर से तस्लीम चढ़ा दिया जाता है सुन्नी तहरीक का फखर से। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि तुमने दहशत गर्दों का और मोहते वजन लोगों का फर्क बताना है, अगर तुम नहीं बताओगे तो हम चिल्ला चिल्ला कर सड़कों पर ये कहेंगे कि दहशत गर्द कौन है, दहशत गर्द वो है कि जिनको तुमने तुम्हारा तुमने बरसों पहले उनका साथ दिया, आज तुम दहशत गर्दों को तुम खत्म करने के लिए लगे हुए हो, वही दहशत गर्द कि जिन्होंने डालरों और रियालों पर पल पल कर जिन्होंने डालरों और रियालों पर पल पल कर अपने आप को मजबूत कर लिया, अब वो तुमसे खत्म नहीं हो रहे, तुम मदद मांग रहे हो। आज आज पूरी दुनिया ये कहने पर मजबूर हो गई है कि दहशत गर्द कौन है जो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, जो मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। अरे उन बदअकीदा बदमजहब दहशत गर्दों की वजह से आज पूरी दुनिया में आज मुसलमान